हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड हियर आई एम विद अनदर यूट्यूब वीडियो ऑफ फेस शेडिंग। ओ नो, नॉट अनदर, आई मीन फर्स्ट यूट्यूब वीडियो ऑफ द फेस शेडिंग, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मैसेजेस रिसीव कर रही हूँ कि आप फेस शेडिंग और स्मूथ फेस शेडिंग कैसे करते हो, तो वो यहाँ मैंने दिखाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आया होगा कुछ। तो अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे DMs में पूछ सकते हो, और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूँगी डेफिनेटली। ये श्री राम लला का स्केच मैंने किसी क्लाइंट के ऑर्डर पे बनाया था, और इसकी मेरे पास एक कॉपी भी है जो कि मैं नेक्स्ट वीक अभी मंदिर जाऊंगी चढ़ाने, और उसकी भी मैं शॉर्ट या रील अपलोड करूंगी, तो वो भी आप ज़रूर देखना। और कीप वॉचिंग। कमिंग बैक टू द वीडियो, यहाँ पे जो हाइलाइटिंग एरिया है वो मैं शेयर नहीं करती हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी ट्रिक है जो मैं कह सकती हूँ, कि जो डार्क पार्ट है जस्ट उसी को शेड करना। हाइलाइटिंग के लिए इरेजर यूज़ करना, नीडेबल इरेजर ठीक है, बट शेड ही ना करना उस एरिया को, आई गेस ज़्यादा बेटर है। तो आई होप आपको कुछ आइडिया मिला होगा यहाँ से, आप भी ट्राई करना, और जो भी डाउट होंगे मुझसे पूछना। और जैसा कि आप देख सकते हो, अभी जो डार्क पार्ट है उनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आउटर एरिया ऑफ द फेस। ये वीडियो मैंने वैसे तो इंस्टाग्राम रील के लिए शूट की थी, अभी मैं इसको रोटेट करके मैंने सोचा पोस्ट करूँ यूट्यूब पे, क्योंकि रेंडरिंग के लिए काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि फेस रेंडरिंग कैसे करते हो। और अब जब नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी ऐसी कोई फेस शेडिंग, तो वो मैं यूट्यूब वाले एंगल से शॉट करूंगी, ताकि और भी बेटर रिजल्ट आए और वीडियो स्टेबल रहे, क्योंकि ये तो मैं अपने हाथ में रख के उसको बना रही हूँ, और नेक्स्ट टाइम मैं टेबल पे रख के बनाऊंगी, सो इट विल बी बेटर। और आपके और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। और आप जो भी मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी हैं, आपने दो डाली हैं मैंने पहले भी, और जिन्होंने जिन्होंने मुझे एडवाइसेस दी थी, थैंक यू सो मच। और आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना होगा, आर्मी इंटरेस्ट होगा तो ज़रूर करना, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। We'll share second part soon. Bye.